रात्रि तो वैसे उर्फी जावेद के कपड़ों के ऊपर जो ट्रोलिंग आई तो मैंने एक सिंपल सा पिटिशन फाइल किया एंड आई हैव आस्क्ड अबाउट टू द गवर्नमेंट कि अगर कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरी लड़की ऐसा करती तो उसकी परमिशन दी जाएगी। अगर एक को परमिशन दी जा रही है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप नंगा नाच होते हुए देख रहे हो, अगर इसको नंगा नाच करने की परमिशन दी गई है तो सोसाइटी में जो लोग गरीब तबके के उनको लगेगा ऐसा करो तो कमा सकते हैं, इसकी अनुमति इसको मिली तो हम भी ये कर सकते हैं। तो समाज को जो घटिया मैसेज जा रहा है कि नंगे घूमो, बदन को किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, वो लड़की वो चीज का ड्राफ्टिंग करके दिखा रही है ऑन बॉडी स्केचेस, तो उसकी अपील की थी कि उसको इससे रोका जाए। तो उसने अभद्र शब्दों से मुझे नवाजा, उसने मुझे नवाजा तो मैंने उसके कानून के सेक्शन नवाजे। अब वो आए कोर्ट में और उसको अनकंडीशनली अपोलोजाइज, 2 करोड़ का मानहानि का दावा जो मैंने किया है, जो उस लड़की से मैं 100% बाकायदा बाकानून वसूल करके गरीबों में उसी के सामने बांट के दिखाऊं। मुझे आपत्ति नहीं है जी, आपत्ति नहीं है कुछ कपड़े पहनने की, तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति आपको पहनने नहीं पहनने की बात नहीं है, ये सारी चीजें कहाँ देखी जा रही है? सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। सोशल मीडिया की खुद अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप अगर ये सब कुछ दिखा, देखो ऐसे पॉर्न साइट भी चल रही है, अगर तुमको करना है तो जाके वहां करो ना भाई, हाँ करना तो वहां जाके करो ना। क्या है ना, बच्चा है ना जो फोन स्क्रॉल करता है तो उसको पता नहीं होता उसको वीडियो देखना कौन सा है। यू गो ऑन यूट्यूब, यू गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई बच्चा हो बड़ा हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके वीडियो देख के आपको संतुष्टि होती है कि गुस्सा आता है? आपने अपने आप में कभी सवाल किया है? आपकी बेटी है नहीं ये पता नहीं, बीवी शादी की है नहीं ये पता नहीं, माँ है ना भाई, माँ है ना, माँ है ना, माँ पहने की ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। जब हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं तो हमको हर एक औरत की इज्जत करनी है। जब अपनी माँ को नहीं देख सकते तो किसी दूसरी लड़की को कैसे देख सकते? देखिए, मुसलमान की जहां तक बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा इस्लाम है ना इज्जत देता है। कभी आपने किसी देश के कानून में, जो इस्लामिक शरिया कानून पे चलते हो या हमारे देश के कानून में भी देख लो, कभी किसी औरत की इज्जत को ऐसे उतारा गया और वो किसी मुसलमान ने उतारा, ऐसा आपको एक केस नजर नहीं आएगा। हमारी कौम इज्जत ढाकती है। हमने तुमको पर्दा करने कहा, तुमको नहीं करना, हमें नहीं करना, हमारी मर्जी है। कम से कम नंगे तो मत घूमो, कौम का नाम तो मत खराब करो। कौम का नाम खराब करना तो कौम से दूर जाओ, और तुम अल्लाह को नहीं मानती तो तुम्हारी तो वैसे भी जन्म दुनिया ही है जी। सर आपका नाम? आनंद पटेल। आनंद पटेल साहब, आप आनंद प्रॉपर जर्नलिस्ट हो मुझे लगता है, करेक्ट? आपका ये प्रोफेशन है, आपकी रोजी रोटी, आपके घर में जो चूल्हा है ना वो इसी से चलता होगा, वहां पे जो खाना बनता है, वहां पे जो पैसे की कमाई आती होगी वो आपके मीडिया का काम करने से ही आती होगी। वहां आप अच्छा कवर करें बुरा कवर करें, मीडिया का माध्यम है, कुछ अच्छा दिखेगा कवर करेगा, कुछ बुरा दिखेगा तो कवर करेगा, कुछ ज्यादा बुरा कर दिखेगा तो ज्यादा कवर करेगा। अल्टीमेट क्या है कि रोजी रोटी सबकी है, सबको अपना घर चलाना है, तो मीडिया इसमें कहीं पर भी कोई भी गुनेगार की कैटेगरी में नहीं आती है कि वो उसको क्यों कवर कर रही है, वो तो नंगी घूम रही है तो मीडिया दिखा रही है, व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम सोर्स, देखो घर तो चलाना है, घर में हम वो क्या टॉयलेट के टिश्यू रोल्स या वो बैंडेज, क्रैप बैंडेज, क्या डस्टबिन के जो उसने पेपर्स यूज किए उससे तो खाना पकेगा नहीं, खाना तो अनाज से पकेगा, उसके लिए तो आप मेहनत करें। तो मीडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मीडिया राइट एट देयर प्लेस। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आप लोगों ने बोलने लगाया और बोलते ना अल्लाह खैर करे मेरी जबान से सर, बहुत